प्रिय अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भिन्न का दूसरा भाग पढ़ेंगे, भिन्न चित्रों के द्वारा। इससे पहले पहले भाग में हमने पढ़ा था किस प्रकार से हम ठोस आकृतियों को आधा, तिहाई और चौथाई भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने रोटी लिया था, सेब लिया था आदि। सो अब जरा हम इस पे आ जाए तो ये देखिए, एक रोटी का आकार है वृत्ताकार और ऐसे ही आकार को हमने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। जिस प्रकार से अगर ये रोटी, अगर मान लें वृत्ताकार है, इसको अगर हम ऐसे बीच में से मोड़ दें, ये हमने मोड़ दिया, दोनों हिस्से एक दूसरे को दोनों ओर से कवर कर चुके हैं, इसका मतलब कि दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर है। इस बराबर हिस्से में से आपके सामने से लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हो गया आधा हिस्सा और ये भी हो गया आधा हिस्सा। इसी को अब हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। ये है तो ये कुछ इसी प्रकार से लाइन बनी, तो ये गोला जो है हमारा या वृत्त हमारा आधा भागों में बढ़ गया। इसके दो आधे हिस्से हुए, ये भी आधा है ये भी आधा है। अगर हम इसके एक भाग को रंगे तो ये हो गया आधा, और बचा हुआ हिस्सा कौन सा है जिसपे रंगा नहीं है हमने, ये भी है आधा। इस प्रकार से अगर हम वृत्त की लाइन के ऊपर कोई भी दो बिंदु लें जो कि बंधे से हो करके जाता हो, तो वो सारी की सारी लाइनें वृत्त को आधे बराबर भागों में बांटेंगे। अगर इसी को लिया जाए तिहाई में, मतलब वृत्त को हमने तीन बराबर भागों में बांटना है, तो इसको हम देखते हैं। ये लगभग लगभग तीन बराबर भागों में बटा हुआ है, इसके हर एक भाग को हम कहेंगे तिहाई। बहुत आसान है, जैसे हमने रोटी को तीन टुकड़ों में बांटा था वैसे रोटी का आकार अब गोला होता है, तो हम एक गोलाकार आकृति को तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये इसका एक हिस्सा हो गया तिहाई। क्या हो गया? तिहाई। ये हो गया तिहाई, ठीक है। तो ये भी हिस्सा तिहाई है, ये भी हिस्सा तिहाई है, तो इसमें तिहाई तिहाई तीन हिस्से बने। ऐसे अगर हम चौथाई की बात करें तो इसी रोटी को अर्थात गोल आकृति को या वृत्त को हमें चार बराबर भागों बांटना है, एक दो तीन चार, चार बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब इसका हर एक भाग हो जाएगा चौथाई। क्या हो जाएगा? चौथाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधा, ये तिहाई भाग और ये चौथाई भाग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, आपके सामने दूसरी आकृति नजर आ रही है, ये कौन सी आकृति है? जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक आयत को आधा, तिहाई और चौथाई भागों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो एक ये हमारे सामने आयत है, ये रहा। इस आयत को अगर हम पहले आधे हिस्से में बांटें तो ये ऐसे, ठीक है बिल्कुल। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बना भी देते हैं, मैंने आपको बोला बहुत आसान सा है, जो हमने वहां पे रोटी और बाकी चीजों को मोड़ा था और किया था उसी को हमें एक चित्र के माध्यम से दर्शाना है बस। तो ये हो गया इसके दो बराबर हिस्से में, इस दोनों बराबर हिस्सों को ये कहेंगे हम आधा आधा, ठीक है। अगर हमें कहा जाए किसी एक हिस्से को रंग दीजिए तो लीजिए, हम एक हिस्से को रंग दे रहे हैं। अब पूछा जा सकता है रंगीन हिस्सा कितना है? आधा। और बिना रंगा हुआ हिस्सा कितना है? आधा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं क्या और भी तरीके हैं इसको मोड़ने के। तो ये दीजिए, ये रहा आयत। इस आयत को हम बीचों बीच से भी तो मोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये भी हो गया आधा। तो ये हम सेम जो हमने काम किया है उसी को हम चित्र में दिखा रहे हैं, तो ये भी हो गया आधा, बिना रंगा भी आधा। और देखते हैं क्या कोई और भी तरीका है इसको आधा बांटने का। तो इस कोने को इस कोने से भी हम मिला करके देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है आधे आधे होंगे,
जैसे ये रहा आपका, अब हम इस कोने को मोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, ठीक है। अब इस कोने को इस कोने से हमने मिलाया और ये देखिए आपके सामने एक लाइन बनती आ गई, देखा आपको, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में बराबर है। आप चाहें तो इस त्रिभुज को काट करके देख सकते हैं, चाहे तो मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने इस आयत को जो है एक कोने से दूसरे कोने में मिलाया था, दोनों को हमने काट के अलग अलग कर लिया। और अब देखिए ये इसके ऊपर हमने रखा और ये दोनों हिस्से एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले रहे हैं। दोनों हिस्से जब एक दूसरे को ढक ले रहे हैं इसका मतलब है कि दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं। तो हो गया ना आधा आधा। तो अब इसी को हम एक कोने को दूसरे कोने से भी मिला करके आधा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे कोने को भी हम मिला सकते हैं। और ये दोनों ही हिस्से हमारे जो है क्या हो गया, आधा आधा। तो अगर हम किसी भी एक हिस्से को कहें तो ये रंगीन हिस्सा हो गया आधा और बिना रंगा भी आधा। यहां भी देख लीजिए ये रंगीन हिस्सा हो गया आधा और ये भी हो गया आधा। तो इस तरीके से हम एक आयत को आधे आधे भागों में बांट सकते हैं। अब आ जाइए तिहाई की अगर हम बात करें तो तिहाई का मतलब है कि हमें उस आयत को तीन बराबर भागों में बांटना होगा। तो अब हम इसको जो है तीन बराबर भागों में बांटेंगे। ये देखिए ये हमने इसको मोड़ा और इधर से भी इसको मोड़ा और ये पूरा एक दूसरे को जो है पूरा ढक लिए हैं। अब इसको हम खोलते हैं, ये देखिए एक लाइन ये और एक ये, ठीक है। तो तीन बराबर हिस्सों में हम इसको कुछ इस तरीके से भी बांट सकते हैं, ठीक। इसका हर एक भाग कहेगा तिहाई, ठीक। इसी तरीके से हम इसको हॉरिजॉन्टली भी बांट सकते हैं, ठीक। तो वर्टिकली बांट दें या हॉरिजॉन्टली बांट दें, इस तरीके से हम एक आयत को दो तरीकों से तिहाई भागों में बांट सकते हैं। तो ये दोनों ही हिस्से हो गए तिहाई। यदि आपको कोई तीसरा तरीका पता चले तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाइए चौथाई पे कि किस तरीके से हम एक आयत को जो है चार बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने इसके तीन बराबर भाग किए हैं ठीक उसी तरीके से पहले हम इसको आधे में से मोड़े, दो बराबर भाग हुए और अब एक बार और फिर से मोड़ दिया जाए, ठीक। तो ये हो गया अब एक दो तीन और चार, आपको यहां सामने से नजर आ रहा होगा चार। तो ये हो गया एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन चार, चार बराबर भागों में हम बांट दिए। तो चौथाई के लिए हम यहाँ पर इसी आयत को जो है चार बराबर भागों में एक बार वर्टिकली बांट सकते हैं। एंड देन इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे आयत को तीन बराबर भागों में बांटा था ठीक उसी तरीके से हम आयत को जो है चार बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहले दो बराबर भाग में करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हर एक आधे भाग को आधा आधा कर लेंगे। तो आयत को हम इस तरीके से जो है चार बराबर भागों में बांट दिए। अब इसका एक भाग कहलाएगा चौथाई और बिना रंगे हुए भी यहाँ पे जो है एक दो तीन, तीन चौथाई भाग हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ की अगर हम बात करें किसी भी हिस्से को आप रंगे, अगर मैं इसको भी रंग दे रही हूं तो अगर ये मैं रंग दू इस तरीके से और मैं पूछू कि डबल रेखांकित भाग कितना है तो एक 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 दो तीन चार, एक चौथाई, ठीक, मतलब चौथाई। देन उसके बाद आ जाए तो एक और भी तरीका है, हम लोग इसको चार बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, आमने सामने की भुजा को मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है चार बराबर भागों में बांटने का तरीका है, इसका भी हर एक भाग होगा चौथाई। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अब इसमें एक आयत को अगर हम कोने को एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएं तो ये चार बराबर भागों में नहीं बटेगा। आप देख सकते हैं ये वाली जो भाग है ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों भाग आपस में बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो आयत को
चौथाई भागों में बांटने के ये तीन तरीके हैं। ठीक, तो ये हो गया हर एक भाग कहलाएगा चौथाई। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एक वर्ग को आधा, तिहाई और चौथाई भागों में बांटेंगे।